एक महत्वपूर्ण समाचार मिली रहा है तेना पर नजर करिए। राज्य में आती चौमा की गतिविधि वच्चे दक्षिण गुजरात नवसारी थी चौमासु आगळ वधवानुं छे। राज्य में गाजवीज साथ वरसाद की आगाही कराई। सूरत वलसाड नवसारी डांग और दाहोद में आगाही करवामां आवी छे। अरवली पंचमहाल महीसागर में वरसाद की आगाही छे। गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया जा रहा है वो डेवन की बात करेंगे तो डेवन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का फोरकास्ट दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, दाहोद, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे टू की बात करेंगे जहां पर गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे थ्री और डे फोर के लिए डे फोर और डे फाइव के लिए साउथ गुजरात रीजन को फ्यू प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट रेन का फोरकास्ट दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डे थ्री डे फोर और डे फाइव के लिए फ्यू प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है अरावली, पंचमहल, दाहोद, महीसागर और साउथ गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है डे थ्री डे फोर और डे फाइव के लिए। और डे सिक्स और डे सेवन की बात करेंगे तो डे सिक्स के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के लिए दाहोद, महीसागर और सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे सेवन के लिए अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन की लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान दिया गया है साउथ गुजरात रीजन के लिए। और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और डे टू और डे थ्री और डे फोर की बात करेंगे तो राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका, बोटा और दीव और कच्छ के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग भी है। और डे फाइव की बात करेंगे तो डे फाइव के लिए राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका, बोटा, दीव और कच्छ शामिल है जहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और डे सिक्स और डे सेवन के लिए जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटा और दीव के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन की वार्निंग दी गई है। और डे थ्री और डे फोर के लिए वलसाड, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। अभी तक जो मानसून है गुजरात के नवसारी तक जो एंटर किया हुआ था वो वहाँ तक बना हुआ है। और जो अभी रेनफॉल जिसे आज के लिए दिया गया है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग कच्छ एरिया में बना हुआ है जिसके कारण आसपास के एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए थे वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान दिया गया है। सर मॉनसून प्रोग्रेस क्यों अटक गया, आगे नहीं बढ़ा? जो मानसून गुजरात रीजन में एंटर किया था वीक मानसून एंटर किया था और जो सपोर्टिंग सिस्टम थे वो उतने डेवलप नहीं हुए थे इसलिए मानसून अभी मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है वो नवसारी तक ही अभी सीमित है। कब तक आगे बढ़ सकते हैं? सारा वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन ना कारणे आ वरसाद की आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। अलग अलग जिल्लाओं में सारो एवो वरसाद थशे तेवुं हवामान विभागे कह्युं छे। 20 जून सुधी चोमासु आगळ वधशे अने राज्यमां गाजवीज साथे वरसाद थशे।